अरे भाई साहब, कैसन हो आप लोग? सब ठीक हो? सब बढ़िया हो ना? है एक आदमी था, उसको जो है एक पहले एक बच्चा हुआ, आदमी नहीं, आदमी का जो औरत था उसको एक बच्चा हुआ। पहले उसको एक बच्चा हुआ, बेटी। फिर वो चाहता उसका कि ना हमको बेटा हो। फिर उसको एक, फिर वो ट्राई किया, फिर उसको बेटी हो गई। फिर चाह तो रह गया उसका, चाह तो पूरा नहीं हुआ, दो बेटे हो गया। अब फिर सोचा कि ना उसको हो जाए, उसको बेटा हो जाए, लेकिन फिर उसको हो गया बेटी, बेटी हो गया। तो फिर जो है उसका आत्मा तृप्त नहीं हुआ। अब सोचा कि नहीं कैसे क्या होगा, चौथा बार फिर ट्राई किया। चौथा बार में उसको हो गया चार बच्चा, तीन बच्चा पहले से था, चार तीन हो गया कितना, सात बच्चा। अब वो सात बच्चा का मालिक। ये लोग भी जो है ना, मतलब हद आदमी रहता है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। जीतन मांझी, सॉरी, वो क्या नाम था उसका, दशरथ मांझी वाला खेला कर रहा है लोग। दशरथ मांझी वाला मतलब प्रण ले लेता है कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। देखते होते होते सात बच्चा हो गया। क्या यार, क्या मजाक करते हो यार, तुम लोग भी सात बच्चा ले लिया। देखते ही देखते भाई साहब, चार साल में सात बच्चा हो गया, क्या समझते आप? चार साल में सात बच्चा पैदा करना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत टफ काम है, करके देखो तो पता चलेगा। इस तरह का आदमी का भी जो है ना कुछ अवार्ड अवार्ड कुछ मिलना चाहिए, जैसे फिल्म में मिलता है बहुत से तरह का अवार्ड, हर क्षेत्र में मिलता है, खेल में। तो बच्चा पैदा करने में भी जो है ना अवार्ड मिलना चाहिए कुछ, कि ज़्यादा बच्चा पैदा करे या तो कम समय में ज़्यादा बच्चा पैदा करे, है ना? जैसे क्रिकेट होता है ना, कम बॉल में ज़्यादा रन बनाया उसका ज़्यादा मान्यता होता है। तो ये चार साल में सात बच्चा पैदा किया, इसका ज़्यादा मान्यता है ना, इसको भी मिलना चाहिए, इसको भी कोई ना कोई अवार्ड ज़रूर मिलना चाहिए। सरकार से गुहार लगाते हैं हम, कोई ना कोई अवार्ड मिला जाए, इसको दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से।